देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी दिख रही है। केरल और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में सप्ताह भर के भीतर कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी हो गई। केरल महाराष्ट्र के अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में अचानक तेजी देखने को मिली है, जिसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आंकड़ों के अनुसार 6 राज्यों से 87% कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में पंजाब में महाराष्ट्र की तरह कोरोना के रोजाना नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के कई नए स्ट्रेन की खोज के बीच महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से तेजी हो गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोरोना के प्रचलित वेरिएंट की तुलना में ये ज्यादा संक्रामक है। पिछले कुछ दिनों से देश के 4 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।